आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सतघटना के नए अंक के साथ मैं सौम्या दीक्षित। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी सभागार में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के साथ की बैठक। गोरखपुर में वन मंत्री रमापति शास्त्री ने वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का किया उद्घाटन। ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज का मानवीय चेहरा, दलदल में फंसे व्यक्ति को निकाला। गोर्रा नदी के तटबंधों के किनारे 25 वर्षीय विवाहिता की बेरहमी से हत्या, शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस। और गोरखपुर महिला रिक्रूट आरक्षियों के स्वास्थ्य जांच शिविर का पुलिस लाइन में हुआ आयोजन। अब सत घटना विस्तार। गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे और तय कार्यक्रम के अनुसार एनेक्सी सभागार में नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष के साथ बैठक की और उनको जीत की शुभकामना दी और बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया। इस बैठक में प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, सदर सांसद रवि किशन, सांसद बांसगांव कमलेश पासवान, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, विधायक श्रीमती संगीता यादव, विधायक शीतल पांडे, विधायक विमलेश पासवान, विधायक संत प्रसाद, विधायक महेंद्रपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे। आज पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज गोरखपुर स्थित विनोद वन में वन महोत्सव मनाया गया। वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री मुख्य अतिथि और ग्रामीण विधायक विपिन कुमार सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही आरोग्य वन और कोरोना से दिवंगत वन कर्मियों की स्मृति स्मारक का लोकार्पण किया गया। प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने पेड़ लगाओ कोरोना भगाओ के स्लोगन के साथ सभी को जागरूक किया। इस आपदा में पेड़ पौधों का क्या महत्व है, कौन सी औषधियां जो पेड़ों से मिलती हैं उसके विषय में चर्चा की। फिर उन्होंने वन विभाग के प्रांगण में पौधारोपण का कार्यक्रम किया और तेज पत्ते का पौधा लगाया। उनके साथ ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, गोरखपुर के SSP दिनेश कुमार प्रभु, DM के विजेंद्र पांड्यान ने भी पौधा लगाया। वन मंत्री रमापति शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और 50 लाख पौधे केवल गोरखपुर में लगाए जाने हैं। पूरे उत्तर प्रदेश भर में 30 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए, हम तो लगता है 25 करोड़ से ज़्यादा तो आज लग गया होगा। अभी अभियान चला करके इसी महीने में 30 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे, ये हमारा संकल्प है और सब लोग लगे हैं। हमको लगता है कि 30 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिस प्रकार से अभियान चल रहा है, जिस प्रकार से व्यवस्था हो रही है, आगे बढ़ेंगे। और 50 लाख तो हमारे गोरखपुर में लगा। अभी गोरखपुर भी एक आंकड़ा, एक करिश्मा तैयार करेगा कि योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में गोरखपुर तो हाईटेक सिटी होने जा रही है। और इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म करने के लिए वनों का विस्तार हो रहा है और उसमें ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था हो रही है। यहाँ तमाम प्रकार के रोग आते थे तो हमने तो कहा है वृक्ष लगाओ और कोरोना भगाओ, बीमारी भगाओ। वही गोरखपुर DM के विजेंद्र पांड्या ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का कार्य किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में आज एक ही दिन में 25 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए अभियान चल रहा है, उसी का हम लोग अब सभी लोग हिस्सेदार भी है। गोरखपुर में हम लोग आज 43 लाख वृक्ष एक ही दिन में लगाने की योजना था, उसके बाद बढ़ के हम लोग 50 लाख को ऊपर लगाएंगे और पूरा मिला के जो पूरे प्रदेश में 30 करोड़ को ऊपर वृक्ष लगाने का अभियान है, उसी अभियान का आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रारंभ किए हैं। यहाँ हम लोग का प्रभारी मंत्री जी रमापति शास्त्री जी ने प्रारंभ किए हैं। एक बहुत आधुनिक काम है और बहुत ज़रूरी काम है।
गोरखपुर राजघाट थाना क्षेत्र के राप्ती नदी तट पर मछली पकड़ने गया युवक दलदल में फंस गया। जैसे ही इसकी सूचना ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज अवधेश मिश्रा को मिली, तत्काल मौके पर पहुंच गए। हालांकि घंटों प्रयास के बाद एक रस्सी के सहारे युवक को बाहर निकालने में सफलता मिली। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गया जिले का रहने वाला धनंजय पुत्र इंद्रदेव मंडल मछली पकड़ने का काम करता है। आज सुबह वह मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे बैठा था। जैसे ही वो आगे बढ़कर जाल लगा रहा था कि इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह दलदल में फंसता चला गया और मदद के लिए शोर करने लगा। दलदल में फंसे व्यक्ति को देखने वालों की तो भीड़ लगी हुई थी, मगर कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा था। ऐसे में ट्रांसपोर्ट नगर चौकी अवधेश मिश्रा ने दरियादिली दिखाते हुए दलदल में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए अन्य लोगों से भी मदद मांगी और एक रस्सी के सहारे दलदल में फंसे व्यक्ति को निकालने में सफलता हासिल की। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने पुलिस के इस मानवीय कार्य की प्रशंसा की। तुम हाथ पकड़ाओ तुम ना। उसका हाथ स्लिप करेगा साहब, हाथ स्लिप करेगा। कपड़ा वाला उसका पकड़ लेना, गुदड़िया पकड़ लेना, झोटवा पकड़ के नहीं आ जाइए, स्लिप कर रहा है ना। गोरखपुर जिले के जंघा थाना अंतर्गत राजधानी गांव की पश्चिमी सीमान के बाहर गोर्रा नदी के तटबंध के पास एक अज्ञात 25 वर्ष की विवाहिता की हत्या से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर जंघा थाना अध्यक्ष संजय मिश्रा व क्षेत्राधिकारी जगत राम कन्नौजिया व SP नॉर्थ मनोज अवस्थी मौके पर पहुंचकर घंटों जांच किए। मौके पर महिला के सिर पर वार करके बिरहमे से हत्या की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस महिला के शिनाख्त कराने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक चोरी चौरा तहसील क्षेत्र में स्थित जंघा थाना अंतर्गत राजधानी गांव के पास लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को सुबह 7 बजे के आसपास एक विवाहिता का शव मिलने की सूचना दिया। सूचना के बाद मौके पर CO जगत राम कन्नौजिया व थाना अध्यक्ष संजय मिश्रा पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला की उम्र 25 वर्ष और विवाहिता होने की संभावना जताई जा रही है। मृतक पीले रंग के सिल्क ब्लाउज व नीले रंग की पेटीकोट पहनी हुई थी, एक न्यू सैंडल पहनी है। आसपास के दर्जन भर गांव के लोग शिनाख्त में जुटे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। मृतका के चेहरे पर गंभीर वार कर चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। महिला का शव पेट के बल पड़ा मिला, महिला की साड़ी गायब है। मौके पर शव की स्थिति को देखने से लोग दुष्कर्म की भी आशंका जता रहे हैं। फिलहाल यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा कि महिला के साथ वाकई में क्या हुआ है। इस मामले पर SP नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि शव को शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है, जाँच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। आज सुबह यहाँ पे एक अज्ञात महिला का शव देखा गया है, तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली यहाँ पे देखा गया, छानबीन की गई, आसपास के लोगों को दिखाया गया, लेकिन अभी तक कोई उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही शिनाख्त होती है इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष व पूर्व पार्षद हाजी तहव्वर हुसैन के नेतृत्व में बख्शीपुर स्थित नसीराबाद कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई, जिसमें आगामी 2022 के चुनाव को देखते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और पार्टी को आगे बढ़ाने की और अपने कैंडिडेट को जिताने की रणनीति तय की गई। वहीं दूसरी तरफ आज वृक्षारोपण दिवस के अवसर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष व पूर्व पार्षद हाजी तहव्वर हुसैन व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया। इस दौरान जयशंकर पांडे, अख्तर अली सज्जाद अली रहमानी, धर्मदेव यादव, सोनू यादव, शान मोहम्मद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष व पूर्व पार्षद हाजी तहव्वर हुसैन ने बताया कि आगामी 2022 के चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी के लोगों को जिताने की रणनीति आज तय किया गया है। वहीं दूसरी तरफ वृक्षारोपण भी किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह चाबी है, और जब तक ताले में चाबी नहीं लगेगी तब तक कोई सरकार का गठन होना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से लोग इतना नाराज़ हैं, उनके नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से, उन्होंने सिर्फ जनता को छला है और धार्मिक उन्माद भड़का करके सरकार बनाए हैं। जनता समझ चुकी है, शिवपाल सिंह यादव जी के तरफ आज जनता देख रही है। शिवपाल सिंह यादव
तमाम सेकुलर दलों को लेकर के चल रहे हैं। आज उसी क्रम में हम लोग बूथ कमेटी के गठन पर विचार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बूथ कमेटियों का हम लोग गठन कर लें और बढ़िया प्रत्याशी भी हम लोग लड़ाने जा रहे हैं, उसकी भी घोषणा हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जल्द करने वाले हैं। आज विश्व वृक्षारोपण दिवस है, इसके ऊपर भी आज हम लोगों ने वृक्ष लगाया है। गोरखपुर पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में महिला रिक्रूट आरक्षियों का IMA वामा सारथी एवं मेडिवेयर डिजिटल हॉस्पिटल की टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 महिला आरक्षियों की जांच हुई और कार्ड बनाकर उनके स्वास्थ्य के साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद IMA के अध्यक्ष मंगलेश श्रीवास्तव के साथ मंचासीन अध्यक्ष डॉक्टर सीमा शाही, डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, बबीता शुक्ला, डॉक्टर अमृता सरकारी, जयपुरियार की टीम द्वारा महिला आरक्षण का स्वास्थ्य जाँच किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला रिक्रूट आरक्षी के स्वास्थ्य की जांच कराकर उनके स्वास्थ्य कार्ड बनवाने का था, जिसमें 11 टोलियों की 254 महिला आरक्षी मौजूद रहीं। ये जो नए रिक्रूट्स हैं, जो महिला रिक्रूट्स हैं, उनका हेल्थ कैंप है और इसमें हम इनकी फिटनेस का एक असेसमेंट कर रहे हैं, ग्रॉस असेसमेंट, कि इनका वज़न, हाइट, ब्लड ग्रुप, ये सब क्या है। कोई इनको मेजर इलनेस तो नहीं है, इनकी मासिक में कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जो एड्रेस होना ज़रूरी है, जिसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, या इनकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है क्रॉनिक, जिसके लिए हम इनको बता सकें कि आप आगे उसका ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद उत्साहित समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। योगी सरकार में राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का वीडियो वायरल हुआ। आपत्तिजनक भाषा से दुखी और नाराज बीजेपी के जिला अध्यक्ष सहित संगठन के लोगों ने SP बलिया को तहरीर सौंप जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अंबिका चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाते ये बीजेपी के ये आक्रोशित कार्यकर्ता हैं जो SP ऑफिस पर योगी सरकार के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी की बूढ़ी माँ बेटी बहन को लेकर आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग किए जाने से नाराज होकर पुलिस अधीक्षक को कुछ नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ वीडियो फुटेज के साथ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग किया है। कल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, मतगणना होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों द्वारा COVID-19 का भी उल्लंघन करते हुए भीड़ इकट्ठा कर जो लगता था कि पहले से प्लानिंग थी, और इस तरह से भीड़ इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, हमारे पार्टी के नेताओं के माँ बहनों के खिलाफ जिस तरह से प्रतिबद्ध गालियाँ दी गई, उससे पूरी जनपद में, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि और भी दलों के भी कार्यकर्ता, चाहे सामाजिक लोग, जो पूरी इस घटना से, इस गाली शब्द से दुखी है, और उनकी भावनाओं से मैंने कप्तान महोदय को अवगत कराया और जिन लोगों ने गाली दिया उसका वीडियो फुटेज मैंने उनको दिखाया, उन लोगों पर तुरंत मुकदमा कर कार्रवाई किया जाए, उनकी गिरफ्तारी किया जाए। बस्ती जनपद में 84 घंटे के बाद भी अपहरण किए गए किशोर का बस्ती पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई। पुलिस की ढुलमुल रवैया के चलते भीम आर्मी समर्थित आजाद समाजवादी पार्टी को आगे आना पड़ा। पार्टी के जिला अध्यक्ष आकाश आर्य के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और बस्ती पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, यदि 24 घंटे के अंदर गायब बच्चा नहीं मिलता तो SP कार्यालय का घेराव होगा। समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष आकाश आर्य ने बताया कि बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के ग्राम नदाए में एक 15 वर्षीय बालक अपहरण हो गया था और आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस बच्चे का कोई सुराग तक नहीं लगा पाई, इसलिए उनके साथ सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने हरैया थाने का घेराव कर बच्चे को अतिशीघ्र सकुशल बरामद करने की मांग की। नदाए गाँव से एक बच्चा गायब है, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और सिर्फ FIR दर्ज हो गया था और बच्चे का लोकेशन लखनऊ बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस शायद चुनाव में बिजी थी और जब हम लोगों ने अल्टीमेट दिया कि आज हम थाना घेरेंगे,
तो आज पुलिस थोड़ा सा हरकत में आई है और इधर उधर अपने मतलब लोकेशन पर कैमरा चेक करवा रही है, और पुलिस आश्वासन दी है कि जल्दी हम बच्चे को ढूंढ लाएंगे, और हमको भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 24 घंटे बाद, 24 घंटे का हम लोगों ने टाइम दिया है, 24 घंटे के बाद हम लोग एसपी ऑफिस घेरेंगे। इसके पहले भी दो बच्चे गायब हो चुके हैं जिनका पुलिस अभी तक कोई पता नहीं लगा सकी। अपहृत बच्चे के घर में मातम सछाया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरैया थाने पर तहरीर दी गई है। अपहृत बच्चे की मां ने कहा कि उसके बच्चे का अपहरण हो गया है, लेकिन हरैया पुलिस आज तक आश्वासन ही दे रही है, अभी तक बच्चे का कोई पता नहीं चला। बच्चे के परिजनों को शक है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन हरैया पुलिस मामले को सीरियसली नहीं ले रही है। आज थाने पर कैसे आए? हमारा बच्चा खो गया। कब खोया है? आज 4 दिन हो गए। थाने पे आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, कराई थी। कैसे गायब हुआ, कहाँ से गायब हुआ? वो गया था विशेषगंज बाजार। बाजार से ही गायब हो गया? मोबाइल बनाने गया था सर, वहीं से गायब। मोबाइल बनवाने गया था। आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? बाजार से। आपकी किसी के साथ दुश्मनी थी पहले से? नहीं सर। आज यहाँ थाने पे आए थे, क्या करने के लिए आए थे? आज हाँ आए थे न्याय मांगने। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और एक टीम बच्चे की बरामदगी के लिए लखनऊ रवाना हो गई है, और इसी संदर्भ में दो टीम और गठित की जा रही है। बच्चा 1 तारीख को दोपहर को 2 बजे खेत में काम कर रहा था और बच्चा वहीं से गायब हो गया। बच्चे के पिता ने कहा कि बच्चे ने फ़ोन करके बताया कि उसे 2 लोग आँख पर पट्टी बांध कर ले आए हैं और उसे नहीं पता कि कहाँ लाया गया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि पहले भी हमारे गांव के 2 बच्चे गायब हो चुके हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी शीर्ष द्वारा गोरखपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के 51 वार्ड अध्यक्षों का चयन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी की अध्यक्षता में बैंक रोड स्थित स्टार नर्सिंग होम के सभागार में वार्ड अध्यक्षों को माला पहनाकर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान प्रदेश सचिव गोरखपुर प्रभारी परवेश खान मौजूद रहे। इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह एवं प्रदेश महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्रा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महानगर उपाध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा ने किया। नियुक्ति पाने वाले वार्ड अध्यक्ष गण धर्मेंद्र पासवान, धीरेन्द्र मिश्रा, अमित राव, जिसान खां, विनीत शुक्ला, अखिल अहमद, जम्मू सोनकर, इम्तियाज अहमद सहित 51 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने चयनित वार्ड अध्यक्षों से कहा कि अपने अपने वार्डों में कमेटी का गठन करें, साथ ही साथ वार्ड की जनता से जुड़े उनकी समस्याओं की गंभीरता से लेते हुए रणनीति के तहत वृहद आंदोलन करने के लिए कमर कस लें। कार्यक्रम में दिनेश चंद श्रीवास्तव, रोहन पांडे, प्रणव उपाध्याय, दिलीप कुमार निषाद, श्याम शरण श्रीवास्तव, मनोज पाल, सुनीला देवी, हेमलता ओझा, अनुराग पांडे, जितेंद्र विश्वकर्मा, शैलेंद्र वल्लभ पांडे, प्रभा चतुर्वेदी, ऋषभ राज श्रीवास्तव भारी संख्या में उपस्थित रहे। आज ये गोरखपुर महानगर के वार्ड अध्यक्षों की बैठक थी और जिसमें वार्ड अध्यक्षों को मनोनयन पत्र दिया गया और उनको जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं उनका जो निर्देश था आगे कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है और जो कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं उनका डेटा इकट्ठा करना है और जो दवा किट कोरोना किट जो है गोरखपुर शहर में वितरित की गई है उसका डेटा इकट्ठा करना है और आगे और दवाओं का वितरण कैसे करना है उसी सब के संदर्भ में ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई हुई थी। गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान एक पिकअप गाड़ी का पीछा किया गया। चालक उफरौली गांव के पास रात्रि में गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिसिया छानबीन में पता चला कि पिकअप में गौकशी के लिए मवेशी ले जा रहे हैं जिससे एक पशु की मृत्यु हो चुकी थी। स्थानीय पुलिस ने पिकअप को थाने पर लाकर मृत एक गौवंश का पोस्टमार्टम कराया और बाकी मवेशियों को कान्हा उपवन गौशाला हरिहरपुर भेजकर अज्ञात के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुट गई। गाड़ी के नंबर के आधार पर फोन से संपर्क करने पर पिकअप मालिक ने अपने आप को गोपालगंज बिहार का निवासी बताया और कहा, मैं गाड़ी बेच चुका हूं, गाड़ी पर बिहार का नंबर है। बस्ती जिले में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा।
दिन प्रतिदिन बढ़ रही घटनाओं से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। एक तरफ पुलिस अभी एक घटना का खुलासा करके अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करती है, तभी अपराधी पुलिस के लिए नई चुनौतियां परोस देते हैं। मामला गौर थाने के टिनिच चौकी क्षेत्र का है। इमिलिया तिराहा निवासी 65 वर्षीय पंचराम मौर्य की दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। उनके सिर पर ईंट व गमले से प्रहार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और खून से लथपथ शव उनके घर के आंगन में छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गौर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मृतक पंचराम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक पिछले कई वर्षों से बभनान शुगर मिल में काटा बाबू के पद से रिटायर होने के बाद इसी चौराहे पर अपने मकान में रहा करता था। मृतक के बेटों से संपत्ति को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 जुलाई को थाना गौर के ग्राम आमा के रहने वाले पंचराम मौर्य की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में हो गई थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उनके सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। वो सभी बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं। वहाँ के गांव चौकीदार की तहरीर के आधार पर उनकी मृत्यु के संबंध में 302 का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ लिखा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पंचराम मौर्य की मृत्यु सर पर आई हुई चोटों के कारण होना पता चला है। पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। अपनी मृत्यु से पूर्व पंचराम मौर्य ने अपने पुत्रों पर संपत्ति की बात को लेकर के एक कंप्लेंट भी थाना गौर पर दी थी। पुलिस अभी सभी पहलुओं पर देख रही है और सभी से पूछताछ कर रही है। शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।